अब आपके सर्टिफिकेट्स में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ऑफिशियल लोगो होगा, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली और ज्यादा बढ़ चुकी है अब। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉर्ट्स। सो आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आर बैच वन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्नशिप, नाउ आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस आर बैच टू। हमारा दूसरा बैच अब 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर लिखी है, और गूगल फॉर्म में भी सारी डिस्क्रिप्शन है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और एनरोल जल्दी कर देना। बहुत जल्दी ही सीट्स भर जाती हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट ओपन है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्योंकि जितने कम स्टूडेंट्स रहते हैं उतना ज़्यादा कनेक्टिविटी बन पाती है। 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर होंगे तो वो पर्सनल टच वहाँ पर मिस हो जाता है, तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स अवेलेबल हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बैच टू भी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटर्नशिप का, हमें पता ही नहीं चला वीडियो आपने कब डाल दी, कब चालू हो गया, तो अब ये ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से एनरोल कर दो। 4 फरवरी से हमारा बैच टू स्टार्ट होने वाला है। जो चीज़ें इसमें कवर होंगी सारी आपकी स्क्रीन पर है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम इसमें डिसऑर्डर्स के बारे में समझेंगे, थ्योरेटिकली पहले हम चीज़ों को समझेंगे, भाई एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन होता क्या है, हमें लगता है मैं उदास हूँ डिप्रेस्ड हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। DSM-5 के हिसाब से क्या मतलब है एग्जैक्टली डिप्रेशन का, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, एंग्जाइटी समझेंगे और भी जो डिसऑर्डर हैं इन सब चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिलेगी। एंड देन डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ आपकी क्लासेस होंगी, और मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ, डॉक्टर सीमा शर्मा इज ऑफिशियली द मेंबर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जो भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को पता होगा ये कितना बड़ा नाम है, सो इनके अंडर आपको इंटर्नशिप का की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड ऑल्सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है यार, आप लोग देख सकते हैं हमारे बैच वन के सर्टिफिकेट्स, अब आपके सर्टिफिकेट्स में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ऑफिशियल लोगो होगा, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे, देन थ्योरेटिकल नॉलेज हमें ले ली डिसऑर्डर की, एंड उसके बाद मैम के साथ आपके सेशन होंगे, वो आपको इन डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट बताएंगी, आपको इनका डायग्नोसिस समझाएंगी, किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं अपने क्लाइंट को, वो सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ आप इसके अंदर करने वाले हैं, और कैसे रिपोर्ट कैसे आपने बिल्ड करनी है अपने क्लाइंट के साथ, किस तरीके से उसे आपने कंफर्टेबल करवाना है, बेसिकली थेरेपी एक्चुअली में कैसे होती है, वो सब खुद डॉक्टर सीमा शर्मा इस इंटर्नशिप में आपको बताएंगे। तो अब आगे फर्दर वीडियो में आपको कुछ ग्लिम्प्स दिखाने वाले हैं हम, तो उसे भी जरूर देख लेना हमारे बैच वन के, और उन बच्चों के रिएक्शंस भी हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके की हमारी क्लासेस होती है। That's all from my side. Now it's all your work. जल्दी से Google Form को ओपन करो, ये पूरी वीडियो देखने के बाद जल्दी से Google Form को ओपन करो और उसे भरो। उसमें एक WhatsApp ग्रुप का लिंक आपको दिया गया होगा, उसे भी आपने क्लिक करके ज्वाइन करना है, तभी इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स आपको कॉन्टेक्ट कर पाएंगे और आपको फर्दर प्रोसेस समझा पाएंगे कि किस तरीके से आपने फी पे करनी है और कैसे आपने ज्वाइन करना है। So that's all from my side. जल्दी से Google Form को भर दो, देन क्लास में मिलते हैं 4th of February से। थैंक यू सो मच वॉचिंग। एक अपना अपना रिव्यू आप बता दो, ओवरऑल रिव्यू थोड़ा सा 4-5 लाइन में होता है। ये चीज थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकल साइड सब मिला के जो भी जैसा भी और क्या इंप्रूव हो सकता है वो भी, इसमें कुछ ऐसे नहीं कि आपने अच्छा ही बोलना है, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा वो भी आप लोग बिल्कुल बोल सकते हैं। वही था कि अगर कोरोना नहीं होता तो मैम के अंडर करने में और मजा आता, काफी इंटरेस्टिंग होता वो वाला पार्ट, और इतना कुछ तो नहीं है, ओवरऑल काफी सैटिस्फाइंग था। वो नितिन सर थ्योरी भी काफी अच्छे से करवाई और फिर आपने उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत अच्छे से करवाई, मतलब मेरे लेवल पे बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो गए, तो उसके लिए थैंक यू। यस मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, हमने शुरू किया ICD-DSM से, फिर हम डिसऑर्डर्स पे आए, फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट करी, फिर खुद से हमने रोल प्ले करके उन चीज़ों को सीखा, हमने फन एक्टिविटीज़ भी सीखी, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में जो चीज़ें होती है कि ऐसे ऐसा करो ये वो नहीं, सिर्फ वो नहीं, प्रैक्टिकलिटी भी देखी, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है कभी कभार कि हम रैपो बिल्ड नहीं कर पाते अच्छे से, कुछ और प्रैक्टिकल इंटरव्यू में चीज़ें वो सब भी हमने सीखी, तो अच्छा लगा। फन एक्टिविटीज़ का तो अपना एक अलग इम्पोर्टेंस मुझे दिखता है, तो ओवरऑल सब कुछ एक
कंप्लीट सा हुआ, क्यों हमने उसकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स भी सीखी, कुछ जो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े फिर, तो बहुत अच्छा लगा कि सब कवर हो गया. जो कुछ दो तीन डिसऑर्डर्स हुए तो वो अच्छे से कवर हुए, कुछ अधूरा नहीं छूटा कि इसका ये है, या मैं अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करें, कम्प्लीटली उसे करें, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. गुड. हम लोगों का फोकस यही था कि अगर आपको थोड़ा भी सिखाएं, एटलीस्ट आफ्टर द वर्कशॉप यू मस्ट हैव दिस आइडिया कि हाँ हमने ये सीखा है, और वो आपको सालों साल भूले नहीं हो चीज, वो आपके करियर के साथ ग्रो करे. और मैम स्टार्ट करनी है, मुझे ना फॉर्मल फील नहीं हुआ नितिन सर और आपके साथ कि वर्कशॉप खत्म, तो अब सब खत्म, हम लोग बहुत फॉर्मल रहेंगे. अभी हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने सर को एक दो चीजों के लिए मैसेज भी करा, सर काफी ओपन हार्टेडली मैसेज कर देते, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं. और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यशस्विनी और रिया से मेरी ज्यादा बात नहीं है, यशस्विनी से बात हुई, इसने हेल्प करी, तो मुझे काफी अच्छा लगा. लाइक बहुत स्वीट फील हो रहा है कि एंड हो रहा है लेकिन स्वीट नोट पे हो रहा है कि हम मैम को जब मर्जी अप्रोच कर सकते हैं, सर को, और यशस्विनी से भी मेरी बात हुई, उसने इतना स्वीटली बुक भेजा, मेरे को इतना अच्छा लगा कि हम अननोन लोग हैं लेकिन उसने मेरी, हाँ, दीदी ने मेरी भी काफी हेल्प की थी ऑनेस्टली. वो बढ़िया था ओवरऑल एक्सपीरियंस, ऐसे लग रहा कम लोग है लेकिन एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छा ग्रुप. ये अगर 50 लोग भी होते ना तब भी ऐसा फील होता है, हमारी वर्कशॉप्स में तब भी जो फेस टू फेस होती है लोग रोते हैं कि अभी हमारी जैसे 3 डेज 5 डेज की होती है क्या, अब हमारा हो गया, अब हम जाएंगे चले जाएंगे, कुछ ऐसे जो फील होता है. बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा. तो ट्वेल्थ की क्लासेस देखे थे अपने एंट्रेंस के लिए, तब से मैं आपको जानती हूँ, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मतलब बिल्कुल ऐसे वो एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में रह गए थे, और मैं किसी और को पढ़ा दी थी ना, अपनी छोटी कजन को पढ़ा दी थी, तो मेरे को सेम एग्जाम्पल्स ही आ रहे थे, और मैंने लिटरली सारे नोट्स कॉपी करे थे, हैंड खुद लिखे थे ताकि मेरे को याद रहे. तो मैंने तब सर के बारे में देखा था कि सर इतना इनडेप्थ पढ़ा रहे, वरना और टीचर्स तो मतलब आपको पढ़नी होती है, बट आप पूरा टाइम नहीं दे सकते एनसीईआरटी पे, क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी होती है. एनसीईआरटी में वैसे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं. तो जब इनकी समरी मुझे पता लगी 15 मिनट की वीडियो में एक चैप्टर हो रहा है, दिस इज समथिंग आई वुड वांट, तो मुझे बहुत अच्छा कंटेंट भी लगा. इनफैक्ट मैंने तो कुछ फ्रेंड्स को शेयर भी किया था, क्योंकि मुझे बहुत सही लगा कि ये चीज काम भी आएगी, एनसीईआरटी हो भी जाएगी, यू भी नहीं होगा कि छूट गई. तो मैं इसीलिए इन पे ट्रस्ट कर पाई. जैसे इन्होंने डाला था कि पहले इन्होंने कभी कुछ बैच निकाले थे, तो मैं वेट कर रही थी कि कब तो इनका वो नया कोई बैच आएगा और कुछ होगा. तो अभी इन्होंने दोनों निकाले तो मुझे इन पे ट्रस्ट था कि नहीं, अगर ये करवा रहे तो कुछ अच्छा होगा. और अमाउंट भी रीजनेबल रखी है, नहीं तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत बहुत हाई अमाउंट होती है, तो रीजनेबल अमाउंट ही तो मैंने ज्वाइन दोनों करी है.